स्नेक्स अपने शिकार को धोखा दे सकते हैं या प्रेडेटर्स को कंफ्यूज कर सकते हैं। ये अपने वेनम या अपनी जबरदस्त ताकत से पलक झपकते ही मार सकते हैं और जरूरत पड़े तो ये कई सालों तक बिना खाए रह सकते हैं और बिना टांगों के ही ये वॉक और स्विम कर सकते हैं और पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं, यहाँ तक कि ये उड़ भी सकते हैं या पूरी तरह पानी में रह सकते हैं। एलिफेंट ट्रंक स्नेक कभी जमीन पर नहीं आता, ये जमीन पर मर सकता है क्योंकि पानी में डूबे नहीं रहने पर इसका स्केलेटन इसके वेट को नहीं संभाल सकता। लेकिन इसे पानी से निकलने की जरूरत भी नहीं है, इसे बस हर 20 मिनट में सांस लेने के लिए अपने नॉस्ट्रल्स को बाहर निकालना पड़ता है। सभी स्नेक स्पीशीज में शायद ये सुपर पावर होती है, खुद को अचानक रिजुवेनेट करने की एक मैजिकल एबिलिटी। इस सांप की स्किन ड्राई, डल और रिंकल्ड है। ये भूखा नहीं है, ये अभी खा नहीं सकता, लेकिन ये अपने आसपास मूव कर रही हर चीज को अपना दुश्मन मानता है और इसकी आंखों पर भी एक परत सी है, इन्हें बिल्कुल दिखाई नहीं देता। अपनी पुरानी स्किन छोड़ने की प्रोसेस से गुजर रहे सांप अजीब तरीके से मूव करते हैं और चिड़चिड़े होते हैं, लेकिन इन्हें देखकर लगता है कि ये बीमार और बूढ़े हैं, लेकिन ये मरने वाला नहीं है। इसके उलट इसकी स्किन फट जाती है और सांप सिर की तरफ से शुरू करके उसे पूरा या बड़े बड़े टुकड़ों से निकाल देता है। सांप अपनी ओल्ड स्किन को स्टोन्स या ट्विग्स से फंसाकर हटा देता है और धीरे धीरे अंदर से स्मूथ, शाइनी और ब्राइट कलर की नई स्किन दिखने लगती है। अब ये फिर से देख सकता है और इसे फिर से भूख भी लगती है। दूसरे एनिमल्स जैसे हम ह्यूमंस अपनी स्किन की आउटरमोस्ट लेयर को धीरे धीरे पर लगातार बदल सकते हैं, लेकिन रेप्टाइल्स में और खासकर स्नेक्स में इस प्रोसेस को देखना बहुत आसान है। स्केल से कवर्ड स्किन में पोर्स नहीं है, इसमें पसीना या फ्रेग्रेंट फ्लूइड्स निकालने के लिए कोई होल्स नहीं है। ये वन पीस शेप है और जब ये सांप के लिए छोटा पड़ने लगता है तो इसे बड़ी स्किन से बदलना पड़ता है ताकि उसके अंदर एनिमल ग्रो करता रहे। क्योंकि स्नेक्स का बढ़ना कभी रुकता नहीं, ये अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक थोड़ा बहुत बढ़ते रहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सभी स्नेक स्पीशीज इनॉर्मस साइज तक ग्रो करती रहती हैं। ये तो अपने जेनेटिक मेकअप के हिसाब से जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं और इस बात का भी असर पड़ता है कि जिंदगी भर ये कितना खाते हैं। अगर सांप के रहने की जगह पर शिकार कम हो तो ये बॉन्साई की तरह
अपना मेटाबॉलिज्म स्लो करके भूख से मरने या एक बैडली कैल्सिफाइड बॉडी के साथ ग्रो करने से बच जाता है। लेकिन अगर काफी शिकार मिल रहा हो तो वही सांप अपनी मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल तक डेवलप होगा। पाइथन्स और एनाकोंडास को जब काफी खाना मिलता है तो वो जाइगेंटिक क्रीचर्स बन जाते हैं जो सचमुच बहुत बड़े होते हैं। ये ट्रू सुपर स्नेक्स हैं जो सींग और टांगों समेत पूरे एंटेलोप को या किसी अडल्ट ह्यूमन जितने बड़े एनिमल को भी निगल सकते हैं। नाइनटीन सेंचुरी में सोल्जर्स और प्रेस्टीजियस साइंटिफिक एक्सप्लोरर्स अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका के अनजान इलाकों में दूर दूर तक गए थे और उनमें से कुछ ने 20 मीटर या इससे भी लंबे सांपों को देखने का दावा किया था। उनके एक्सपेडिशन लॉग्स के अनुसार कई बार तो उन्होंने उन्हें हंट भी किया, लेकिन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में आइस या ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं होने से वो उनकी बॉडीज को ज्यादा दिनों तक प्रिजर्व नहीं कर पाए। उनके अनुसार अब तक का सबसे बड़ा सांप एक रेटिकुलेटेड पाइथन था जिसे 1912 में सुलावेसी आइलैंड पर पकड़ा गया था। उन्होंने मरने पर उसे नापा तो वो 10 मीटर एंड 76 सेंटीमीटर लंबा था। ग्रीन एनाकोंडा या यूनेक्टस मरीनस दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। हमारे पास जिस लार्जेस्ट एनाकोंडा का साइंटिफिक डेटा है वो 1960 में 8 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर्स का था। दुनिया का सबसे छोटा सांप भी एक सुपर स्नेक है। असल में इसके बिहेवियर के कुछ एस्पेक्ट्स इसके क्लोज लेकिन काफी बड़े रिलेटिव जितने ही इंटरेस्टिंग हैं। इस छोटे से क्रीचर के लिए ओस की एक बूंद भी एक ह्यूज वाटरिंग होल है जो उसके लिए काफी दिनों तक चल सकता है। ये चींटी और टर्माइट्स को खाता है और अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा अंडरग्राउंड ही बिताता है। लेकिन 6 सेंटीमीटर लंबे और 2.5 मिलीमीटर डायमीटर वाले इस माइक्रो स्नेक में सबसे अजीब इसकी प्रोडक्शन का सुपर स्ट्रेंज तरीका है। जीनस टाइफ्लॉप्स के सांपों को कॉमनली ब्लाइंड स्नेक्स कहा जाता है और इनकी पॉपुलेशन का एक बड़ा प्रपोर्शन सिर्फ फीमेल्स होते हैं। फिर भी ये बिना किसी मेल की हेल्प के रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। ये पार्थेनोजेनेटिक हैं, यानी कोई भी फीमेल अकेले ही जन्म दे सकती है, इसीलिए किसी नई टेरिटरी को कॉलोनाइज कर सकती है। इनफैक्ट ये सर्पेंट्स दुनिया में सबसे ज्यादा इलाकों में पाए जाते हैं। इन एनिमल्स की एक और इनक्रेडिबल सुपर पावर ये है कि ये अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो करने के लिए हाइबरनेट के भी रह सकते हैं। सांपों की छोटी स्पीशीज या यंग स्नेक्स यानी जो छोटे मैमल्स को खाते हैं उनके लिए एक वीक या एक मंथ में एक बार शिकार करना आम है और इसे किसी सांप के लिए बहुत रेगुलर डाइट माना जा सकता है। ज्यादातर स्नेक्स कम फ्रीक्वेंटली और इररेगुलरली खाते हैं। सांप तेज नहीं होते
ये किसी भी हैबिटेट में बहुत अच्छी तरह मूव करते हैं, लेकिन इतना तेज भी नहीं कि दौड़ने वाले एनिमल्स का पीछा कर सकें। इन्हें स्टॉकिंग, वेटिंग और एलिमेंट ऑफ सरप्राइज की मदद से हंट करने पर मजबूर होना पड़ा। कॉइल्ड होकर सिकुड़ कर बैठा कोई सांप अपनी बॉडी के कुछ हिस्से को तेजी से आगे थ्रो कर सकता है। इसकी इफेक्टिव रेंज इसकी बॉडी लेंथ का लगभग 1/3 होती है। खाने के लिए जरूरी है कि सांप का शिकार उसकी रेंज में आ जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। काफी कुछ लक पर डिपेंड करता है। वैसे सांपों में सही जगह चुनके छिपने की स्किल भी होती है। अपने शिकार को एम्बुश करने वाले हंटर के सक्सेसफुल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पास आने पर भी शिकार को उसका पता न चले। स्नेक्स की कलरिंग क्रिप्टिक होती है, इससे ये अपनी सराउंडिंग्स में छिप जाते हैं। इसके अलावा ये बहुत कम और बहुत धीरे मूव करते हैं। इनका मस्कुलेचर बिना ध्यान में आए बॉडीज को मूव करने की खासियत देता है। शिकार का पता लगने पर ये एक सुपर पावर है, लेकिन ये डेंजरस भी हो सकता है। असल में इनकी कैमोफ्लाजिंग टेक्निक्स की वजह से ही ह्यूमंस और वेनमस स्नेक्स के बीच इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। जहर की वजह से ही इंसान सांपों से नफरत करते हैं, लेकिन इसने सांपों को अपने इकोसिस्टम्स में परफेक्टली अडैप्ट होने में भी हेल्प की है। जहर का ओरिजिनल पर्पस डिफेंसिव नहीं था, बल्कि ये तो उनके लिए अपने शिकार को पकड़ने के चांसेस को इम्प्रूव करने के लिए डेवेलप हुआ था। लेकिन शुरू में इनका जहर यानी वेनम सिर्फ एक डाइजेस्टिव सब्सटेंस था, किसी सुपर स्ट्रेंथ सलाइवा की तरह एक प्री डाइजेस्टिव सब्सटेंस। स्नेक्स अपने शिकार को निगलते समय उनकी बॉडीज में वेनम इंजेक्ट करते थे ताकि उन्हें डाइजेस्ट करना आसान हो जाए, क्योंकि वो उनकी बॉडीज के टुकड़े नहीं कर सकते, ना ही चबा सकते थे। सांप अपने शिकार की स्किन, फर और सींगों को भी नहीं हटा सकते, क्योंकि इनके हाथ पैर नहीं होते। सांपों को अपने शिकार को पूरा ही निगलना पड़ता है। इससे ये हर चीज को डिसॉल्व कर सकने वाला एक सुपर डाइजेस्टिव सब्सटेंस डेवलप करने के लिए मजबूर हो गए। ये सब्सटेंस एक वेनम था जो आगे चलकर एवोल्यूशनरी प्रोसेस से डिजाइन हुए बेस्ट ऑफेंसिव वेपन्स में से एक बन गया। ये इतना इफेक्टिव है कि इंसानों के साथ साथ कई और स्पीशीज भी किसी सांप को देखते ही बिल्कुल इंस्टिंक्टिव वे में डर महसूस करती हैं। साइंटिस्ट सांपों को उनके जहर इंजेक्ट करने के तरीके से क्लासिफाई करते हैं।
सोलेनोग्लिफ्स के स्पेशलाइज्ड फैंग्स होते हैं जो मूवेबल और बहुत लंबे होते हैं। अटैक करते समय ये हाइपोडर्मिक नीडल्स की तरह हॉलो फैंग्स को सीधा कर लेते हैं। प्रोटेरोग्लिफ्स के फैंग्स थोड़े छोटे होते हैं और ये फिक्स्ड रहते हैं। ओपिस्टोग्लिफ्स अपने वेनम से हंट नहीं करते, ये अपने वेनम को अपने खाने को प्री डाइजेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसलिए उनके मुंह के पीछे की तरफ ग्रूव्ड फैंग्स होते हैं जो बाकी दांतों से थोड़े लंबे होते हैं, जिसे ये अपने शिकार को निगलते समय टॉक्सिन्स इंजेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। कोबराज और मांबाज का वेनम एक न्यूरोटॉक्सिन होता है जो मेनली शिकार के नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है, जिससे शिकार सांस नहीं ले पाता और उसका हार्ट रुक जाता है। वाइपर्स और रैटल स्नेक्स के वेनम में ज्यादा हीमोटॉक्सिन्स होते हैं जो अपने शिकार के खून को जमा कर उसे मार डालते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हर साल लगभग 1,00,000 लोग स्नेक बाइट से मारे जाते हैं। डेसिपेल्टस जीनस के स्नेक्स के दांत नहीं होते या बहुत छोटे वेस्टिजियल दांत होते हैं। नॉर्मल दांतों से इन्हें खाने में दिक्कत होती है। साइंटिस्ट को अब भी नहीं पता कि ये अनफर्टिलाइज्ड एग्स और डेवलप हो रहे एम्ब्रियोज वाले एग्स में कैसे फर्क कर लेते हैं। चॉइस मिलने पर ये अनफर्टिलाइज्ड एग्स प्रेफर करते हैं। इससे शिकार बनने वाली स्पीशीज की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी पर असर नहीं पड़ता और हाईली डेवलप्ड एम्ब्रियो वाले अंडे को खाना न्यूट्रिशनली कम बेनिफिशियल होगा। अंडे को निगलने पर डेसिपेल्टस उसे अपनी गर्दन में कुछ वर्टिब्रे पर पिन करता है और एक बार अंडे को तोड़ने के बाद वो उसे स्क्वीज करके उसके वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स निकाल लेता है। डेसिपेल्टस लिविंग इकोलॉजी का एक लेसन है। नॉर्मली ये क्लच के बाकी एग्स को नहीं छूता, जबकि सच तो ये है कि बर्ड के नेक्स्ट ब्रीडिंग सीजन तक इसे इतना खाना नहीं मिलेगा। फिर भी कुछ लोग स्नेक्स को बुरा कहते हैं। कुछ स्नेक स्पीशीज इंसेक्ट्स, फिश और एम्फिबियन से अपना पेट भरती हैं या दूसरे स्नेक से। कोई सांप दूसरे सांप को खा सके, इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एवोल्यूशनरी स्पेशलाइजेशन चाहिए, खासकर जैसा कि इस केस में है जब हंटर के पास वेनम ना हो। के लिए स्पीड जरूरी थी। इस टेक्निक में कैप्चर्ड स्नेक को सिर से पकड़ा जाता है ताकि वो खुद को डिफेंड ना कर सके। फिर ये अपने शिकार को मारे बिना ही निगलने लगता है। सच ये है कि किंग स्नेक अपने शिकार को स्क्वीज करके मार नहीं सकता। ये शिकार खुद किंग स्नेक जितना ही बड़ा है, इसलिए किंग स्नेक इसे जिंदा ही निगलकर अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इसके सफोकेट होने का वेट करता है। किंग स्नेक्स अक्सर रैटल स्नेक्स और दूसरी वेनमस स्पीशीज का शिकार करते हैं। किंग स्नेक्स ने उनके वेनम्स के लिए अच्छी इम्यूनिटी डेवलप कर ली है
लेकिन इनकी स्ट्रैटेजी ऐसी है कि इनका शिकार इन्हें किसी भी तरह काट नहीं पाता। दूसरे सांप को खाने वाला स्नेक तो कोई सुपर स्नेक ही होगा। ये इल्यूशंस क्रिएट करने की पावर है। ये आइडिया कंसिस्टेंट है। कई स्नेक्स के फेसेस पर अजीब से बम्प्स होते हैं जो शायद ल्योर्स की तरह भी काम कर सकते हैं। ये प्लांट ईटर्स को हंट करने के लिए स्प्राउट जैसा दिख सकता है। सांप ल्योर्स यूज करते हैं। इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने वाली एक और बात यह है कि कुछ सांप नर्वस होने पर अपनी पूंछ हिलाते हैं। ये बिहेवियर अटेंशन ड्रॉ करने के लिए है। बर्ड जैसे किसी प्रेडेटर का सामना होने पर ये मूवमेंट उसकी चोंच का अटैक सांप के सिर से काफी पीछे डाइवर्ट कर सकता है। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म हो सकता है, लेकिन अगर बर्ड छोटा हुआ तो ये प्रोटेक्टिव मूवमेंट हंट करने का तरीका भी बन सकता है, यानी कि एक ट्रैप। कुछ स्पीशीज ये स्टेप उठा चुकी हैं। शिकार करते समय कॉटन माउथ अपनी टेल के छोर को क्लियरली विजिबल रहने देता है, जिसका रंग इसकी बाकी बॉडी से अलग होता है। ये अपनी टेल को नर्वस होने की वजह से नहीं, बल्कि जानबूझकर कैटरपिलर की मूवमेंट की तरह इधर उधर हिलाता है। ये एक ल्योर ही है, एक डिकॉय जो फॉरेस्ट फ्लोर पर इंसेक्ट्स और लावे ढूंढ रहे एनिमल्स को धोखा देने के लिए है। और स्नेक्स अपनी पूंछ को एक और पर्पस से हिलाते हैं। रैटल स्नेक्स अपनी पूंछ को शेक करते हैं, जिसके छोर पर मॉडिफाइड स्केल्स की एक सीरीज से बना एक रैटल होता है, जिसकी वजह से इनका यह नाम पड़ा है। रैटल स्नेक्स अपने पास आने वाली हर चीज को अपने खतरे के लिए वार्न करते हैं। ये शायद दुनिया के नोबलेस्ट एनिमल हैं। बहुत जरूरी ना हो तो ये किसी को हार्म नहीं करना चाहते। इनका रैटल केराटिन के ड्राई हॉलो रिंग से बना होता है, जो एक दूसरे के अंदर होते हैं। सांप के बड़े होने के साथ ही नंबर ऑफ रिंग्स भी बढ़ते जाते हैं। रैटल दूसरे एनिमल्स से कुचले जाने से बचने के लिए एक एवोल्यूशनरी अडैप्टेशन है, और ये पॉसिबल प्रेडेटर्स को डिस्करेज करने का भी एक इफेक्टिव मेजर है। और ज्यादा थ्रेटनिंग लगने के लिए रैटल स्नेक्स अपनी बॉडी को एस शेप में आर्च करके धीरे धीरे मूव करते हैं, लेकिन ये काटते तभी हैं जब कोई और चारा ना हो। कई सांप वेनम यूज करने से पहले अपने पॉसिबल एनिमीज को वार्न करते हैं कि अगर उन्होंने परेशान किया तो खतरा हो सकता है। ये ऐसा इसलिए नहीं करते कि ये दिल के अच्छे होते हैं, असल में तो ये बस अपना वेनम वेस्ट नहीं करना चाहते। ये डेजर्ट वाइपर अपनी स्केल्स को आपस में रगड़कर एक तेज आवाज निकालकर आसपास से गुजरने वालों को वार्न करता है कि वो उसकी स्ट्राइकिंग रेंज में आने की गलती ना करें।
ज्यादातर एनिमल्स के लिए ये बहुत डरावनी आवाज है। लेकिन अगर आप ज्यादा ही क्यूरियस ना हो तो रैटल स्नेक्स या डेजर्ट वाइपर्स आपको नहीं काट पाएंगे और ना ही कोबराज। खतरा महसूस करने पर कोबराज खुद को बहुत विजिबल बना लेते हैं। ये सिर उठाकर अपनी बॉडी के एक तिहाई हिस्से को उठा लेते हैं और अपने फन फैला लेते हैं। ये बहुत क्लियर साइन है कि आपको और पास नहीं आना चाहिए। लेकिन कोबरा की इस स्पीशीज को मारने के लिए काटने की जरूरत नहीं पड़ती। ये साउथर्न अफ्रीका का एक रिंग नेक स्पिटिंग कोबरा है और ये अपने वेनम को 3 मीटर तक स्पिट कर सकता है। लेपर्ड्स ये जानते हैं और इन्हें अवॉइड करते हैं और इनके हैबिटेट में रहने वाले बाकी एनिमल्स भी। लेकिन ये यंग लेपर्ड पहली बार स्पिटिंग कोबरा का सामना कर रहा है। ये लकी था, वेनम इसकी आंखों में नहीं पड़ा। फर या स्किन पर कोई खुला जख्म ना हो तो स्पिटिंग कोबरा के वेनम का कोई असर नहीं होता, लेकिन आंख में पड़ने पर ये कब ब्लाइंड हो जाता और फिर सर्वाइव नहीं कर पाता। सांप काफी रंग बिरंगे होते हैं और ये स्ट्राइप पैटर्न्स वार्निंग के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। रैटल्स, हिसिंग, हुड्स और स्ट्राइकिंग कलर्स लगता है कि सांप अटैक करने से पहले वार्निंग जरूर देते हैं। ये फॉल्स कोरल स्नेक है जो अपने अपीयरेंस से प्रोटेक्टेड है। शायद ही कोई इस पर अटैक करेगा। इस फीमेल को मेट किए हुए 5 हफ्ते हो चुके हैं और इसने अंडे देने के लिए अच्छी जगह ढूंढ ली है। एक ट्री ट्रंक के नीचे एक सुराख, यहाँ इसके एग्स के डेवलप होने के लिए बिल्कुल सही टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है। बड़े पाइथन्स जैसे कुछ सांप अपने एग्स को ब्रूड करते हैं, यानी अपने अंडों को सहते हैं। लेकिन ज्यादातर सांपों के लिए अंडे देने के बाद उन्हें तुरंत छोड़ जाना नॉर्मल है। उनकी मटर्नल इंस्टिंक्ट हैच करने के लिए सेफ जगह ढूंढने से ज्यादा काम नहीं करती। सर्पेंट फैमिली में इंडिपेंडेंस ही सबसे अहम चीज है। माओ और बच्चों और मेल्स और फीमेल्स के बीच इंडिपेंडेंस, ये जोड़े नहीं बनाते। इनमें कोई कोलैबोरेशन नहीं होता। कॉपुलेशन के अलावा कोई रिलेशनशिप नहीं होती और मेटिंग सीजन के अलावा ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। कुछ फीमेल्स में एक सुपर पावर होती है जिससे वो अपने एग्स को फर्टिलाइज करने के लिए सही एनवायरमेंटल कंडीशंस का इंतजार करते हुए मेल के स्पर्म को कई सालों तक स्टोर कर सकती हैं। इनमें कुछ ओवोविविपरस स्पीशीज भी हैं, जिसका मतलब फीमेल्स अपने बच्चों के पैदा होने तक अंडों को अपनी बॉडी में ही रखती हैं। बोवर्स, सी स्नेक्स और वाइपर्स में ऐसा होता है। सांपों की वैरायटी और अडैप्टेबिलिटी इनकी सबसे बड़ी सुपर पावर है और इस सुपर पावर की वजह से सांप इस दुनिया के ज्यादातर इकोसिस्टम्स में बस गए हैं। रेन फॉरेस्ट और वेटलैंड्स में ढेर सारे सांप हैं, लेकिन ये हमें कोल्ड रीजन्स में मिलते हैं जहां इन्होंने साल के सबसे मुश्किल टाइम में हाइबरनेट करना सीख लिया है। कुछ इलाकों में ये बस आधे समय एक्टिव रहते हैं।
इन्हें कंफर्टेबल और रिस्पॉन्सिव रहने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर्स की जरूरत होती है। इन्हें धूप बहुत पसंद है, इसलिए गर्म और सूखे इलाके इनके फेवरेट हैबिटेट्स हैं। दुनिया के सबसे मुश्किल डेजर्ट्स इनके लिए पैराडाइज की तरह हैं। कभी कभार हवा की गर्मी नहीं बल्कि जमीन का हाईएस्ट टेम्परेचर सांपों के सिंपल हार्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इन्हें संभल के रहना पड़ता है। रेत के सरफेस का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बहुत तेज गर्मी है, इसलिए जितना कम कांटेक्ट हो उतना ही अच्छा। लिटिल सैंड बोआ भी यूनिक अडेप्टेशंस वाला एक सुपर स्नेक है। इसकी स्किन पर स्केल्स बिल्कुल फ्लैट हैं। इसकी छोटी छोटी आंखें सीधे अंदर घुसी हुई हैं ताकि कम से कम फ्रिक्शन हो, और अपनी टेपर्ड स्नाउट से ये अपने इलाके की सैंडी सॉइल्स में आसानी से घुस सकता है। स्नेक्स के लोकोमोटिव मैकेनिज्म्स भी तरह तरह के होते हैं, लेकिन ये बहुत तेज क्रीचर्स नहीं होते, इसलिए खतरा दिखने पर सांप शायद ही कभी भागने की कोशिश करते हैं बल्कि छिपना ज्यादा पसंद करते हैं। इस टेरेंटुला को अपने पोटेंशियल मेल का पता नहीं चला है क्योंकि इसका खाना सचमुच अंडरकवर चला गया है। सैंडी इकोसिस्टम्स में रहने वाले सांपों की कई स्पीशीज रेत में घुसने का ये टैक्टिक अपनाती हैं क्योंकि इसके अलावा कोई और हाइडिंग प्लेस नहीं है। हॉर्न्ड वाइपर इसमें सबसे ज्यादा माहिर है। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी अडैप्टेशन शायद सांप को तेज धूप से बचाने के लिए काम आता है, और एक बार खुद को रेत में छिपाने का तरीका सीखने पर इन्हें इनविजिबिलिटी की जबरदस्त पावर का पता चला होगा। स्नेक्स को अपने शिकार से लड़ना नहीं पड़ता, वे उन्हें भाग जाने देते हैं क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनके मरने पर वो जल्दी ही उनके पास पहुंच जाएंगे। साइकिल पूरा हो गया। 2 महीने तक अंडों में रहने के बाद अब बेबी स्नेक्स बाहर आने लगे हैं। ये धीरे धीरे अपने आसपास की दुनिया पर नजर डालते हैं। हमेशा के लिए बाहर आने से कम 2 दिनों तक अपनी सराउंडिंग्स को समझते रहते हैं। ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। उन्हें मदद की कोई जरूरत नहीं होती,
उनके इंस्टिंक्ट्स ही काफी हैं। इनके योग सैक से इनको इतना रिजर्व मिल गया है कि अगर कोई शिकार ना मिले तो ये कई दिनों तक या कुछ हफ्तों तक बिना खाए रह सकते हैं। वैसे ये पहले दिन से ही शिकार करना जानते हैं। ये सच है कि कुछ स्नेक्स इंसानों के लिए सच में खतरा बन सकते हैं, लेकिन ऐसे सांप बहुत कम हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 3000 नोन स्नेक स्पीशीज में से बस 200 ही पोटेंशियली हार्मफुल हैं, और हमें इकोसिस्टम और अपनी सराउंडिंग्स में उनके रोल को नहीं भूलना चाहिए। वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए क्रूशियल हैं। उनके बिना आप या हम सर्वाइव नहीं कर सकते। कुछ सांपों के काटने से लोग जरूर मरते हैं, लेकिन सांप अपनी तरफ से पहला वार नहीं करते। वो हमारा शिकार नहीं करते, हमें चेज नहीं करते, वो हमें मारना नहीं चाहते। किसी भी एनिमल का इरादा बुरा नहीं होता, और स्नेक्स भी तो आखिर एक एनिमल ही हैं। बात ये है कि हम अब तक उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। सच तो ये है कि स्नेक्स के बारे में सबसे डेंजरस चीज है हमारी इग्नोरेंस।